हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स बच्चों हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अभी तक जिसको हम लोग को स्टार्ट हुए को काफ़ी टाइम हो गया है एंड दैट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स तो क्लास ट्वेल्व का ये चैप्टर पहले कंप्लीट कराने के बाद ही मैं कोई नया चैप्टर क्लास ट्वेल्व का स्टार्ट करने वाली हूँ सो दैट हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जल्दी अपलोड कर पाए ठीक है लास्ट क्लास जो कि काफी पहले हो गई थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था एक बार दिखा देती हूँ हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पिस्टल का स्ट्रक्चर प्रॉपरली देखा था हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन कैसे होता है वो कितने सेल स्टेज अचीव करता है किस प्रकार से सेल्स डिवाइड करते हैं ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे अब आज हम लोग क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फ्लावर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फ्लावर कर चुके हैं तो आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर इधर इट इज फ्लावरिंग प्लांट और इट इज एनी एनिमल जनरली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स विल रिमेन ऑलमोस्ट सिमिलर पहले हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ गुनाड्स जहां पर मैंने आप लोगों को मेल गुनाड और फीमेल गुनाड जैसे रिस्पेक्टिवली मेल फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फीमेल फ्लावर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके बताया ठीक है जैसे कि स्टेमिन एंड पिस्टल उसके बाद जब हम लोगों ने गुनाड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस वो होगी गेमीट फॉर्मेशन की और हम लोगों ने गेमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस को भी देख लिया है ठीक है अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के गेमिट ट्रांसफर कैसे होता है क्योंकि अगर हम लोग गेमिट ट्रांसफर नहीं समझ पाएंगे तो हम फर्टिलाइजेशन नामक इवेंट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तब एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल्स के केस में हम लोग देखते हैं कि ट्रैक है, में, में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फ्लावर्स के पास ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता होगा कि मेल और फीमेल गेमीट्स जो है वो यूनाइट हो सके और क्या फ्लावर्स भी कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अंडरगो करते हैं इन सेमाइनेशन जैसी कि जिसमें गेमीट ट्रांसफर हो रहा हो तब यहां पर हमारे सामने एक शब्द बहुत प्रोमोनेंटली बार बार आएगा और वो है पॉलिनेशन ठीक है तो पॉलिनेशन इज बेसिकली गोइंग टू बी अ प्रोसीजर ऑफ फिन इन विच द मेल गेमीट्स दैट इज द दॉलिन ग्रेन विल बी ट्रांसफर्ड ऑन टू द फीमेल रिपोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द प्लांट दैट इज गोइंग टू बी द पिस्टल ठीक है तो पिस्टल के ऊपर बेसिकली कैसे ग्रेन पहुंचाया जाए इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं और ये कैसे अचीव होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी हो सकती हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दोनों ही नॉन मोटाइल हैं इसीलिए डेफिनेटली किसी एक्सटर्नल एजेंसी किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी जैसे अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में बात करते तो वहां पर तो हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजोआस जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं ठीक है ऐसे ही काफी सारे और ऑर्गेनिजम्स के अंदर गेमीट्स मोटाइल हो सकते हैं लेकिन प्लांट के अंदर दोनों ही गेमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं और इसीलिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेनी पड़ सकती है उन्हें गेमीट को ट्रांसफर करने में मतलब कि मेल गेमीट को फीमेल ट्रैक तक पहुंचने के लिए किसी और की मदद लग सकती है ठीक है तो यहां पर ये यह वाला पॉइंट देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन द सेक्शंस यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गेमीट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस इसके अंदर मेल गेमीट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर फीमेल गेमीट प्रोड्यूस हो रहा है बाद में दोनों ही ये गेमिट किस प्रकार के हैं ये बताया एनसीआरटी ने कि दोनों गेमिट्स होते हैं नॉन मोटाइल टाइप के एंड देव टू वे ब्रॉड टूगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अगर इन दोनों को क्लोज लाना पड़ेगा ताकि ये फर्टिलाइजेशन हो सके और ये कैसे अचीव किया जा सकता है ठीक है तो पॉलिनेशन इज द मैंने बताया कि इस को, इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर को, मतलब मेकेनिज्म को जहां पर मेल गमीट फीमेल ट्रैक तक लेके आया जाए उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन ठीक है तो क्या होता है पॉलिनेशन इट इज गोइंग टू बी नाउ वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑफ ठीक है जो कि पोलन ग्रेन के समय एंथर से निकल गए थे हमने देखा था एंथर जो है वो डिहाइड्रेट हो गया था डेहिसेंस हो गया था उसका उसमें एक लाइन बन गई थी ऑफ डेहिसेंस जहां से पॉलनग्रेन्स रपचर होके बाहर आ गए थे सारे के सारे ठीक है वो पॉलनग्रेन्स के शेडिंग के बाद में ट्रांसफर ऑफ दीज पॉलनग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल स्टिग्मा सब लोग जानते हैं स्टिग्मा का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है जो ये अपर सरफेस है पिस्टल की इसके ऊपर ट्रांसफर होना का इसको हम लोग बोल देंगे पॉलिनेशन ठीक है सो दिस इज अ वेरी 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 सिंपल फिनोमिना नाउ फॉर एवरी ठीक है ये हमने पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा जैसे कि uh, इसमें ओव्यूल्स अरेंज होंगे यहां पर ठीक है ओवरी में ये हमारे पास में पिस्टल है और ये पूरा स्ट्रक्चर था ओके सॉरी दिस इज गोइंग टू बी वन सेकेंड हाँ स्टिग्मा लिखना था मुझे वहां पर हाँ तो ये हमारे पास में स्टिग्मा है और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं पिस्टल ठीक है चलो ये सभी को समझ में आ गया ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब जानते ही हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ठीक है ओके okay. और इसके ऊपर लैंडिंग हुई है किसकी पॉलिन ग्रेन की ठीक है इसको अचीव करवाने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग पॉलिनेशन ठीक है तब फ्लावरिंग प्लांट्स के पास में ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशन होंगे जिससे कि पॉलिनेशन हो डेफिनेट सी बात है रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू ऑलवेज बी अ वी कैन से डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है ये एक फीचर होता है ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टराइल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस हो रहा है ऐसा मतलब लिविंग कैरेक्टर है ये प्लांट्स भी लिविंग होते हैं डेफिनेटली और प्लांट्स को कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के रिक्वायरमेंट भी होगी मतलब कि आज एक मान लीजिए पेरेंट प्लांट है तो वो चाहेगा कि मेरा फर्दर आगे जो है कंटिन्यूटी होता रहे मेरे ऑफस्प्रिंग्स बने ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स बने ऐसे करके कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए बहुत सारी अपनाई होंगी उन्होंने ताकि उनकी स्पीशीज कंटिन्यू रह पाए और ये अडप्टेशन जो होंगी वो हो जाएंगी पॉलिनेशन अचीव करने के लिए मेनली क्योंकि दोनों ही गेमीट नॉन मोटाइल हैं यहां पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर डिफाइनिंग फीचर ठीक है विच कैन एक्चुअली लीड टू फर्टिलाइजेशन विच कैन लीड टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज सो दिस इज डन ये मैंने बताया कि प्लांट्स अपने आप अचीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसीलिए वो कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद लेंगे अब हम अगर ये जानना चाहें कि क्या वो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो कैसी हो सकती हैं तब दिमाग में आएगा बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आएंगी एयर हमारे माइंड में आएगा वाटर हमारे माइंड में आएंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स बहुत सारे एनिमल्स जो कि ये अचीव करवा सकते हैं पॉलिनेशन तो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर दें अगर हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को तो हम जनरली बोल देंगे एक हो जाएगा ए बायोटिक और एक हो जाएगा आपका बायोटिक ठीक है तो जो ए बायोटिक होने वाला है उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा विंड हमारे पास में आ जाएगी एयर ये दो मेजर ए बायोटिक एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन अचीव करवा सकते हैं और बायोटिक एजेंट्स में तो एन नंबर हो जाएंगे इंसेक्ट हो जाएंगे बहुत सारे बीज हो जाएंगी और फिर एंट्स हो जाएंगी उसके अलावा butterflies हो जाएंगी देन इट कैन बी monkeys एंड मेनी अदर एनिमल्स ठीक है प्लांट्स like, की कॉन्टैक्ट में आते हैं ठीक है तो ये सारी बातें हमें समझ में आई अब हम देखते हैं पॉलिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है ठीक है तो ये एक डिपेंडेंसी रहेगी कि कितने प्रकार का हो सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी प्रेजेंट इसके अंदर हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि फ्लावर किस प्रकार के हैं उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर ठीक है मान लेते हैं कि एक प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर बायसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं मतलब कि एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं तब ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा और उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी ठीक है तो अगर एक पर्टिकुलर प्लांट के पास में बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जहां पर सिंगल फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है सिंगल फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है तब उस पर्टिकुलर केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं हालांकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हों ठीक है ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे एनिमल्स में हम सब जानते हैं हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फॉर्म करते हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट है दोनों के दोनों चाहते तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते थे पर फिर भी दूसरे के गेमिट्स लेते हैं ठीक है अपने गेमिट्स दूसरे को देते हैं उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि वेरिएशन तभी आएंगी जब दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के गेमिट्स यूनाइट होंगे बिलोंगिंग टू द सेम स्पीश इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन भी एक प्रकार से मान लीजिए बहुत फेवरेबल चीज नहीं होगी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हम बोलेंगे वेरिएशन नहीं आएंगी ज्यादा और वेरिएशन चाहिए होती हैं किसी भी इंडिविजुअल को चाहे वो प्लांट भी क्यों ना हो अडेप्ट होने के लिए आगे इवॉल्व होने के लिए ठीक है तो इसीलिए यहां पर हम पॉइंट समझते हैं कि एक करके देखो ये वाला जो फ्लावर सभी को दिख रहा है फर्स्ट है ना इधर साइड में देखो पहले ये जो फ्लावर सभी लोगों को दिख रहा है तो इस पर्टिकुलर फ्लावर में हम लोगों को क्या दिख रहा है हमें इस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर दो चीजें देखने को मिल रही है। हम लोगों को पहली बात देखने को मिल रही है स्टिग्मा ठीक है हम लोगों को दूसरी बात देखने को मिल रही है एंथर क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन भी है और दोनों के दोनों सेम फ्लावर में है ठीक है अब देखो क्या होगा एंथर जो है इसके अंदर बनेंगे मेल गेमीट डेफिनेटली ठीक है और ओवियोल जो है ये बेसिकली फीमेल गेमीट्स बनाएंगे अब हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा इसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट मेल गेमीट्स जो हैं इसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट मेल गेमीट जो हैं ठीक है वो ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर मतलब कि स्टिग्मा विल बी रिसेप्टिव रिसेप्टिव फॉर मेल गेमीट ऑफ सेम फ्लावर उसी फ्लावर के ठीक है जब ऐसी फिनोमिना होती है तब हम बोलते हैं गेमीट फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी टाइप ठीक है पॉलिनेशन कैसा हो जाएगा टाइप इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ठीक है तो इसको एक बार रीड करते हैं फटाफट से इट विल नाउ बिकम अ वेरी क्लियर लैंग्वेज फॉर एवरी वन देखो ध्यान से देखना डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिन का क्या सोर्स है पॉलन सेम फ्लावर का आ रहा है कि अलग फ्लावर का आ रहा है ठीक है कि अलग ही पौधे से आ रहा है पॉलिनेशन अलग, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी वो है ऑटोगी इन दिस टाइप

कि एक नॉर्मल फ्लावर में जो कि ओपन है एक्सपोज है जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा प्रॉपरली विजिबल है कंप्लीट ऑटोगैमी तो फिर भी रेयर होती है भले ही दोनों ही ऑर्गन सेम फ्लावर में प्रेजेंट है ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए सिंक्रनी ठीक है सिंक्रनी का मतलब है सिमिलर टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो सिमिलर टाइम पे ओव्यूल्स बन गए हो उसी सेम टाइम पे ग्रेन आए ठीक है उसी सेम टाइम टाइम पे मेल गमिट ट्रांसफर हो उसी सेम टाइम पे मेल फ्यूज कर जाए इसके लिए क्या चाहिए सिंक्रनी चाहिए मतलब कि स्टेप स्टेप बाय सभी तैयार होनी चाहिए एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड ठीक है जैसे कि कई बार जब लोग ग्रुप परफॉर्मेंसेस करते हैं या डांस परफॉर्मेंसेस करते हैं स्टेज के ऊपर और वो ग्रुप में कर रहे होते हैं तब जस्ट इमेजिन कि इधर से और इधर से दो लाइन में लोगों को भागते हुए स्टेज पे आना था ठीक है अब मान लो कि इधर से लोग भागते हुए आ जाएं और इधर से भागते हुए नहीं आए जस्ट इमेजिन तो सोचो क्या वो डांस परफॉर्मेंस हो पाएगा ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि इवेंट जो थे वो सिंक्रनाइज नहीं थे यहां पर भी क्या चाहिए सिंकर नहीं चाहिए और सिंक्रनी नहीं होगी तो फिर यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नेग्लिजेबल या निल हो जाएंगे ठीक है तो ऑटोगी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स व्हाट सिंक्रनी इन पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी

ऑटोगी हो हो सकती थी पर तब भी हो नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं उसको भी ठीक है तो ये हमें कुछ एक समझ में आए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीआर हमें देती है कि फ्लावर्स कितने टाइप के हो सकते हैं एक प्लांट के ऊपर ठीक है तब एनसीआर बता रही है हम लोगों को कि एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं एक हो सकते हैं कैजमोगेमस फ्लावर ठीक है और एक हो सकते हैं क्लीस्टोगेमस फ्लावर ठीक है फ्लावर जो हम जनरल फ्लावर्स देखते हैं वैसे वाले मतलब कि जो ओपन फ्लावर है जिसमें हमको एंथर भी, भी दिख रहा है हमको स्टिग्मा दिख रहा है है ओपन पेटल्स हैं ना जो खुला हुआ फूल है उसको हम लोग बोलते हैं कैजमोगेमस फ्लावर ठीक है जहां पर विजिबिलिटी ऑफ गुनाड है मतलब कि हम देखने मात्र से बोल सकते हैं अच्छा हाँ ये स्टेमिन दिख रहा है ठीक है अच्छा हाँ ये हाँ, हम लोगों को यहाँ पर एंथर दिख रहा है लोब्यूल्स में अच्छा ठीक है इसमें ही पॉलिन ग्रेन बन रहे होंगे दिख रहा है ना क्योंकि इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं अच्छा ठीक है इसके अंदर हम लोगों को पिस्टल नजर आ रहा है इसी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे क्योंकि ओवरी इसके अंदर ही प्रेजेंट है तब ये क्या हो गया ये विजिबिलिटी है किसी चीज की तो जनरलाइज जो हम लोग फूल देखते हैं खुले हुए फ्लावर्स वो कौन से होते हैं क्या फ्लावर्स और एक और कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स हो सकती है वो होती है फ्लावर्स क्लीस्टोग्लावर्स क्लीस्टोग्लावर्स क्लीस्टोगामस फ्लावर्स ठीक है ये जैसे कि व्हाट्सएप के मैसेजेस में जब आपने किसी का नया नंबर जोड़ा तब लिख के क्या आता है सबसे ऊपर अगर आपने उससे चैट करना स्टार्ट करना ही है आपको उसको मैसेज भेजने वाले हो क्या लिख के आता है दिस चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इसका क्या मतलब हो गया हिडन रहने वाली है ठीक है इसका क्या मतलब हो गया हिडन रहने वाली है ठीक है तब क्लीस्ट का भी मतलब वैसे ही कुछ है हिडन की बात हो जाएगी यहां पर ठीक है, एनक्रिप्टेड हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे एनक्रिप्टेड छुपे हुए ठीक है, छुपे हुए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब कि वो फ्लावर बर्ड कभी ओपन ही नहीं होगा फ्लावर में वो फ्लावर बर्ड फ्लावर बर्ड ऐसे के ऐसे ही रहेगा हमेशा ठीक है मतलब कि उसके अंदर प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग देख नहीं सकते ठीक है तब ऐसा होगा अगर तब मुझे बताओ क्या चांसेस हैं चांसेस हैं कि इस पर्टिकुलर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन होने के बाद में मैक्सिमम चांसेस हैं, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ही क्योंकि क्रॉस के लिए तो ओपन होना पड़ता है ठीक है गेमिट रिसेप्टिविटी हो ही नहीं सकती किसी और फ्लावर से क्योंकि ये कैसे रहने वाले हैं क्लोज्ड ठीक है तब क्लीस्ट फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स होते हैं These are those types of Of flowers flowers, which do not open at all. In such the the anthers and the stigma lies close to each other. Of course, जब बर्ड इतना closed है और ये हमेशा एक क्लोज स्ट्रक्चर है तब स्पेस नहीं बढ़ी जब स्पेस नहीं बढ़ी तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे ठीक है वेन एंथर in इन द फ्लावर pollen grain comes कम्स इन with विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोग उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा ठीक है सेल्फ पॉलिनेटेड ओके एंड देर इज नो चांस ऑफ दो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टेग्मा कोई और पौधे से कोई और फ्लावर से भी इसके ऊपर पॉलिन आके लैंड कर ही नहीं सकता क्योंकि खुला ही नहीं कभी ठीक है प्रोड्यूस एड सीड सेट बनना ही है सीड ठीक इवन इन दस ऑफ पॉलिनेटर्स मतलब की उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके नहीं बैठा तब भी बनेगा क्या बिल्कुल बनेगा क्योंकि उसके अंदर इंसेक्ट आके नहीं बैठा से तो क्या मतलब है इन्सेक्ट आता तो कोई पॉलिन लेके आता ठीक है और पॉलिन लेके आने के रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि वो बर्ड कभी ओपन ही नहीं हुआ है इसीलिए हंड्रेड एंड वन परसेंट उसमें सीड बनेगी 101 उसमें सीड का पूरा का पूरा सेट बनने वाला है ठीक है तो ये हमारे समझ में आया क्या दो बात समझ में आई यहाँ पर समझ में आई कि कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ पॉली हम बोलेंगे जहां पर ये ऑटोगी वाले प्लांट्स हैं इस ऑटोगी वाले प्लांट्स के अंदर जिसमें ऑटोगी एज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन हो रहा है उसमें एक ही पौधे पे दो प्रकार के फ्लावर बन सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि हमेशा दो प्रकार के बनेंगे पर एक प्रकार के तो होंगे लेकिन कुछ कुछ पौधों में दोनों प्रकार के फ्लावर्स होते हैं एक कैटेगरी ऑफ फ्लावर को हम लोग बोल देते हैं फ्लावर जो कि नॉर्मली ओपन रहते हैं, जिसके स्टेमन और जिसके एंथर और स्टिग्मा पोर्शन को हम लोग इजिली विजुलाइज़ कर सकते हैं ठीक है और एक कैटेगरी ऑफ फ्लावर होते हैं जो कि हमेशा क्लोज रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लीस्टोगी क्लीस्टोगी में हिडन गुनाड्स की बात हो रही है ठीक है

और एक हमें जड़ों के अंदर दिख रहे हैं फ्लावर इसके जड़ों के अंदर होने का क्या फायदा है इसके मिट्टी के अंदर दबे रहने का क्या फायदा है कि ये सीड पॉट बनाने वाला है और श्योर शॉर्ट सीड पॉट बनाने वाला है ठीक है तब मुझे बताओ कि मिट्टी में ही तो सीड हमको रोपनी है ठीक है सीड्स कहाँ भेजनी है मिट्टी के अंदर तभी तो नया प्लांट होगेगा और इसीलिए क्लीस्टोगामिस फ्लावर्स इसमें नीचे की तरफ ही प्रेजेंट है जिसका सीड पॉट हंड्रेड बनेगा और ये हमेशा लाइफ टाइम बर्ड जैसे रह जाते हैं बर्ड लाइक -like. ठीक है दिस इज डन ये एक स्टेजेस देखो वायोला प्लांट की जो कि पर्पल वॉयलेट कलर के फ्लावर्स को हमको देखने को मिल रहे हैं इसके तीन पॉइंट्स देखो ये वाले फ्लावर कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को ओपन वाले दिख रहे हैं तो हम बोल देंगे कैजमोगेमस फ्लावर जो कि ग्राउंड के ऊपर है एक ये वाले फ्लावर्स हम लोग को दिख रहे हैं जो कि बर्ड जैसे नजर आ रहे हैं सभी को आ रहे हैं बर्ड जैसे नजर दी वंस दी वंस ठीक है ये हो जाएंगे क्लीस्टो फ्लावर जो कि जमीन के नीचे है अंडरग्राउंड और हम ये देख सकते हैं कि क्लीस्टोग फ्लावर के अंदर सीड सेट जो है हंड्रेड एंड बनना ही है ठीक है तो सीड सेट इज फाउंड और सीड पॉट इज फाउंड ठीक है सो दिस इज दायुला प्लांट नाउ आई होप कि कैजमोगी क्या होता है क्लीस्टोगी क्या होता है किस में सीड पॉट बनना बिल्कुल 101 वन परसेंट श्योर है ठीक है और किसमें ऑटोगी हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर है ये सारे पॉइंट आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे और अगर क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है क्वेश्चन ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ठीक है इन विच ऑफ द फ्लावर्स इन वेरिएबली ऑटोगी विल बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इन वेरिएबली ऑटोगी विल बी फाउंड ठीक है डू कमेंट एंड आंसर दैट ठीक है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास नेक्स्ट इज

ठीक है तो प्रनाउंस दिस प्रॉपरली एवरी वन इसमें क्या होता है में इसमें दो मैकेनिज्म मैकेनिज्म नजर नजर आते आते हैं हम आते हैं हम को बेसिकली रुको एक मिनट इसमें दो में क्या होता है एक प्लांट है उस प्लांट के ऊपर फ्लावर बना ठीक है दूसरा फ्लावर भी बना तीसरा भी बना ऐसे करके बहुत सारे बन गए ठीक है फ्लावर्स बायसेक्चुअल है ठीक है फ्लावर्स कैसे है? हैं बाइसेक्सुअल है ठीक है अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है इस वाले फ्लावर से मान लो दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के स्टिग्मा ऊपर लैंड हो गया मतलब कि एक फ्लावर से पॉलिन वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो गया लेकिन दोनों एक ही पौधे पे हैं ठीक है तब इस केस में क्या होगा लगेगा कैसा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है लगेगा कैसा कि क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर का आया पॉलिन लेकिन है तो सेम पौधे का ना तो हो क्या गया एक प्रकार से ऑटोगैमी जैसा सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही हो गया क्योंकि यहां पर बेसिकली जेनेटिक आइडेंटिटी तो सेम रहने वाली है मतलब यहाँ पे भी वेरिएशंस तो नहीं आएंगी जैसे कि हमारे सामने ऑटोगैमी में वेरिएशंस नहीं आई थी क्योंकि सेम फ्लावर था यहां पर भले पौधा सेम है फ्लावर डिफरेंट है तो भी पौधा जो तो सेम है इसी कारण से जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी नहीं आएगी इस पर्टिकुलर केस में भी ठीक है तो यहां देखो इस केस को ध्यान से तुम लोगों को मैं हाई आ, लेजर से बता रही हूं ध्यान देना प्लीज ये पॉइंट दिख रहा है सबको पॉइंट देखो देखो ये ये एक एक ही पौधा है ठीक है है ठीक मानते हैं फ्लावर फर्स्ट फर्स्ट केस सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है एंथर से पॉलिन ग्रेन आ रहे हैं और सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो क्या हो गया सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है दूसरा देखते हैं क्या हो रहा है ये हमारे सामने स्टिग्मा है ठीक है स्टाइल ओवरी मतलब कि फीमेल पार्ट और ये हो गया हमारे पास में स्टेवन आंथर मेल पार्ट इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे नहीं गिर रहे हैं बल्कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं ठीक है लेकिन सेम पौधे का है ये फ्लावर भी तो हम क्या बोल देंगे इसको गाइटोनोगामी ठीक है और तीसरा देखते हैं क्रॉस हम अगला पढ़ने वाले हैं उसमें क्या हो रहा है इस फ्लावर के इस फ्लावर के ऊपर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन आके गिर रहे हैं इस फ्लावर के ऊपर किसी दूसरे प्लांट के आ, फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन्स आके गिर रहे हैं तब हम उसको प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं ठीक है तो मैं लिख देती हूं यहां पर सेम फ्लावर तुम लोग को बहुत क्लियर कर रहे हो सिंपलेस्ट लैंग्वेज ठीक है गाइटनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट ठीक है डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट और तीसरा केस देख लो क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट ठीक है तो ये हमारे तीनों केसेस क्लियर हो गए गाइट्यामी को एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करो यहां से ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ठीक है टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ठीक है Although दो गाइटनोगी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन मैंने कहा लग कैसा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है क्योंकि हो सकता है कि ये एक मधुमक्खी के एक फ्लावर पर बैठने के बाद उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पर बैठने के कारण पॉलन ट्रांसफर हुआ मतलब कि कोई एजेंट लगा इसमें ठीक है या एयर के थ्रू हो गया जेनेटिकली लेकिन ये कैसा हो गया ऑटोगी क्योंकि सिंस पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट कोई अगर आपसे पूछता है ठीक है Uh, variations, variations uh, will be seen, will be seen in the offspring. If, if, if was the mode of pollination. ठीक है तब आप लोगों का आंसर क्या होगा yes. ट्रू नीदु के फॉल्स ठीक है डे ओके पहला क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ मैंने ध्यान से जो देख रहा है उसको समझ में आएगा इसका भी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा चाहिए ठीक है तो दिस इज डकेंड पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीनो मतलब फॉरिन गैमी मतलब की फ्यूजन ठीक है जीनो मतलब की फॉरिन मतलब की दूसरा मतलब की बाहरी उटसाइडर ठीक है अब देखो इसमें क्या हो रहा है देख के समझ में आ गया होगा काफी हद तक तो काफी लोगों को के समझ में आ गया होगा ठीक है स्टिग्मा के ऊपर तो हम देखते हैं फ्लावर नंबर टू के पॉलिंग लेकर के वो आ रही है और स्टिग्मा के ऊपर पुट कर रही है ठीक है तब ऐसे केस में हमने क्या देख लिया हम देख रहे हैं डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है तब हम बोलेंगे इसको इट विल बी कॉल्ड एज जीनोगैमी अ वेरी सिंपल थिंग ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज जीनोगी ठीक है इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन दिस इज दी टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा कैन आई से जीनोगी इज आउट ऑफ ऑल द थ्री गोइंग टू बी द बेस्ट वन येस ऑनो यस बिकॉज की जीनोगी जो है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस कर रही है ठीक है और जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी आएगी इसमें और इसके कारण से हम बोल देंगे कि अडपटेशन भी आएंगी ऑफ स्प्रिंग्स में ज्यादा

चलो अब हमारे क्या नेक्स्ट पढ़ना चाहिए ये वाला फोटोग्राफ एक बार लास्ट है जो कि रिवाइज करने के हिसाब से है इस फोटो को देखेंगे तो ऑटोग्रामी हमें समझ में आ गया है कि सेम फ्लावर है अलग अलग फ्लावर बनाया है नहीं ठीक है सेम फ्लावर ठीक है विद इन वन फ्लावर गाइटोनोगी एक ही प्लांट एक ही ब्रांच एक ही प्लांट है उसके दो ब्रांचेस हैं और दो अलग अलग फ्लावर्स हैं एक ही प्लांट पे हैं तो वन प्लांट इंडिविजुअल बट डिफरेंट फ्लावर्स ठीक है जीनोग्यामी एक अलग प्लांट है एक अलग प्लांट है और इनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो जीनोगी ये दोनों केस में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था और इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और वो पूछता है इन विच मोड ऑफ इन विच मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच मोड ऑफ पॉलिनेशन ठीक है देयर इज देयर इज फंक्शनल फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन बट बट जेनेटिकली ऑटोगी तब आपका आंसर क्या होगा ठीक है ये आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन है ठीक है अब ये कॉपी में नोट करते जाओ आंसर्स और फटाफट से कमेंट में टाइप करके आपको इसका आंसर देना है कि क्या इसका आंसर ऑटोगी होगा या इसका आंसर गाइटनोग्रामी होगा या इसका आंसर जीनोगी होगा ठीक है अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो कि हम लोगों को देखना है ए बायोटिक और बायोटिक ठीक है सो डो नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी मच फैसिनेटिंग काइंड ऑफ एंड वेरी डिफरेंट बिकॉज द प्लांट वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड Uh, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर माइंड डिफरेंटली थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ठीक है चलो बाय एवरीवन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर